फ्लिपकार्ट अमेज़न की साल की सबसे बड़ी वाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपको फोन बाय करना है इस वाली सेल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 10,000 वाला 15,000 वाला वीडियो आ चुका है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फोन की जो आते हैं 20,000 रुपए के अंदर। दोनों वेबसाइट में जो बैंक का डिस्काउंट है वो भी अलग अलग है। HDFC काम करता है फ्लिपकार्ट में, और जो SBI है ना, ये धड़ल्ले से काम करता हुआ आपको नजर आएगा अमेज़न पे। हर एक फोन में अच्छा और बुरा दोनों होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बस यार वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो भी बिंदास नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पक्का आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन को दबाना मत भूल जाना। 5वें नंबर में है नथिंग फोन 2A। वैसे ये फोन बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अलग से आपको बहुत सारी चीजें बाय करनी पड़ सकती है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है और ना ही बैकवर प्लास्टिक वाला ही बैक पैनल है, इसलिए जल्दी से घिस भी सकता है। कृपया करके कपड़े और लत्ते पहना के फोन का उपयोग करिएगा। बैटरी है 5,000 mAh की, 6-6.5 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रदान किया जाएगा। आगे की तरह 120Hz का OLED डिस्प्ले आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है ना वो है मात्र 1300 nits की। काश और ज्यादा होती तो कमाल हो जाता। पीछे की तरफ कोई भी इधर उधर वाला सेंसर नहीं है। 50 MP वाले जो फोटो निकालेंगे ये भी आपको गोरी गोरी लगेगी। अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर आपको प्रदान किया जा रहा है, OIS के साथ आ रहा है। सॉफ्टवेयर में कोई भी भूसा जैसे एप्लीकेशन नहीं है, एंड्रॉइड 14 में बेस्ड है। 3 Android के वर्धन, 4 साल का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में यार नथिंग वाले पुश करते रहते हैं अपडेट, मतलब अपडेट भी आपको समय से मिलेगा। सामने वाले की कॉल को बिंदास रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल वाला ही आपको डायलर प्रदान किया जा रहा है। प्रोसेसर है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7200। प्रोसेसर में बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अलग दिखने वाला फोन लेना है जिसमें लाइट भी लगी हो, तो यार आप जा सकते हैं नथिंग फोन 2A की तरफ। वैसे इसी नंबर में मैं एक और फोन रखूंगा जो है इन्फिनिक्स का GT20 Pro। गेम खेलने वालों को यार ये फोन पक्का अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है 8200 अल्टीमेट वाला। डिजाइन अच्छा है, कैमरा भी यार आपको 108 MP का मिल जाता है, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। डिस्प्ले भी यार 144Hz का AMOLED है। तो भैया आपको तगड़ी परफॉर्मेंस लेनी है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। 4th नंबर में है बिल्कुल नया चमचमाता हुआ आईकू का Z9S। अमेज़न में यार ये धड़ल्ले से बिक रहा है। वैसे फोन का जो वजन है ये काफी कम है, और डिजाइन भी आपको पक्का जचने वाला है। पतला दुबला वाला फोन है। पीछे की तरफ यार आपको पॉलीकार्बोनेट का ही बैक मिल रहा है, बट आप बैक कवर लगा के फोन का उपयोग करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 50 MP वाले जो आप फोटो निकालेंगे ये भी आपको जचेगी। यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है, लेकिन फोटो के मामले में यार ये फोन आपको पसंद आ जाएगा। आगे एक तरफ कर वाला 120Hz का AMOLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1800 nits की, और यार यहाँ पर आपको HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7300। जो 7200 है ना वो ज्यादा अच्छा वाला प्रोसेसर है 7300 से, लेकिन मीडियाटेक वालों का मन था यार ये नाम रखना था। बेंचमार्क स्कोर आपके सामने, फोन में मेजर हीटिंग इशू नहीं है। वैसे इस फोन का जो वेट मैनेजमेंट है पक्का आपको जचने वाला है। भले हल्का फुल्का वाला फोन है, लेकिन बैटरी है 5500 mAh की। जितना अभी तक मैंने फोन का उपयोग किया 1.5 से 2 दिन बैटरी चल जाती है। 45W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर प्रदान किया जा रहा है। UI में तनिक सी इधर उधर वाली एप्लीकेशन है, बट एंड्रॉइड 14 में बेस्ड है। 2 Android के वर्धन, 3 साल का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा, और स्पीकर भी यार आपको डबल प्रदान किए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं आईकू के Z9S की तरफ, बड़ी वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में है यार Realme का P2 Pro। ये फोन भी बिल्कुल नया, अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। आपको चाहिए कर्व डिस्प्ले, वो भी 120Hz का, सिंगल हैंड वाला फोन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिजाइन हो तो आपको पसंद आ सकता है Realme का P2 Pro। यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो है यार वही 2000 nits की। गोरिल्ला ग्लास 7i वाली आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले काफी कमाल का है। फोन का जो वजन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। बैक में हल्का सा कर्व है, इसीलिए हाथ में काफी चपक के फोन बैठ रहा है। और जो कैमरे का यार मॉड्यूल है ना ये भी अब बदल चुका है। अंदर की तरफ 50 MP वाला जो कैमरा है ये भी आपको अच्छा लगेगा। अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है, OIS के साथ आ रहा है। 32 MP का सेल्फी कैमरा भी है, मतलब कैमरे में अच्छे से ध्यान दिया गया है Realme के P2 Pro में। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 7H Gen 2। प्रोसेसर में बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है। बेंचमार्क स्कोर आपके सामने। बैटरी बड़ी वाली आपको मिल जाती है 5200 mAh की। 6 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रदान किया जा रहा है। 80W का चार्जर बॉक्स के अंदर डबल स्पीकर के साथ आ रहा है। सॉफ्टवेयर की सफाई आपको
स्वयं करनी पड़ेगी, लेकिन एंड्रॉइड 14 में बेस्ड है। दो एंड्रॉइड के बदले 3 साल का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। IP65 की रेटिंग आपको प्रदान की जा रही है, बट आप फोन को ना नहलाइएगा। एक बार पानी घुसा, वारंटी में ये चीजें कवर नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको नया रियलमी का फोन लेना है, आप जा सकते हैं रियलमी P2 प्रो की तरफ। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉज है, अब आपके सामने है। दो नंबर में है मोटो का H50 फ्यूजन। मेरे हिसाब से यार ये जो डिवाइस है ना, ये काफी तगड़ा बिका है इंडिया में। आपको चाहिए वीगल लेदर, पक्का आपको ये फोन जचने वाला है। फोन का वजन भी यार बहुत ज्यादा नहीं है, 175 ग्राम के आसपास का डिवाइस है। बस यार डार्क कलर की तरफ जाएंगे, आपका फोन जल्दी से गंदा नहीं होने वाला है। 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये भी काफी अच्छा हो चुका है मोटो की हिस्ट्री देखते हुए। अब यार आपको फोटो में डिटेल की कोई भी कमी नहीं लगने वाली है। अल्ट्रा वाइड वाला भी आपको सेंसर प्रदान किया जा रहा है, OIS के साथ आ रहा है, मतलब कैमरा भी आपको पक्का जच जाएगा। आगे इतना 120 हर्ट्ज का नहीं, 144 हर्ट्ज का P-OLED वाला डिस्प्ले प्रदान किया जाता है, वो भी कर्व वाला है। गोला ग्लास 5 के साथ आ रहा है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1600 निट्स की, मतलब डिस्प्ले भी यार काफी ज्यादा ब्राइट है। म्यूजिक सुनने वालों के लिए डॉल्बी एटमॉस वाला भी फीचर मिल जाता है, मतलब स्पीकर भी डबल है और काफी ज्यादा लाउड है। IP68 की रेटिंग भी आपको प्रदान की जा रही है, मतलब फोन को हम नहला सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप अपने फोन को पानी में डुबकी लगवाएं। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फोन भी आया है, 6 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बहुत ज्यादा 68W का चार्जर आपको प्रदान किया जा रहा है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2, जो यार Realme के P2 Pro में भी मिल जाता है। प्रोसेसर में बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है, UI भी बिल्कुल साफ सुथरा वाला है। एंड्रॉइड 14 के साथ फोन आया है, 3 एंड्रॉइड के वर्धन 4 साल का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। बस यार मोटो वाले जल्दी जल्दी से अपडेट लाने लगे तो और अच्छा हो जाएगा। और जो इनका स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यदि आपको मोटो का डिवाइस लेना है 20,000 रुपए के अंदर, मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं मोटो एज 50 फ्यूजन की तरह। बहुत ही तगड़ा वाला डिवाइस है, यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। नंबर 1 में है पोको का X6 Pro। जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आपको यार MediaTek का जो Dimensity 8300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर है वो पक्का जचने वाला है। बेंचमार्क स्कोर आपके सामने, जब भी आप गेम वेम खेलेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे एक तरह 1.5K का अगर फ्लैट वाला AMOLED डिस्प्ले प्रदान किया जा रहा है, पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स की, गोला ग्लास 5 वाली आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है। बैक में वीगल लेदर का उपयोग किया गया है, 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये आपको डिसेंट फोटो देगा, अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर आपको प्रदान किया जा रहा है, OIS के साथ आता है। बैटरी है 5000 mAh की, 67W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। यहां पर भी सॉफ्टवेयर की सफाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि तनिची इधर उधर वाली एप्लीकेशन है, लेकिन 3 एंड्रॉइड के वर्धन 4 साल का सिक्योरिटी पैच आपको प्रदान किया जा रहा है। और अपडेट भी यार पोको वाले देते रहते हैं, डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर है। मेरे हिसाब से पोको का X6 Pro सेल के दौरान जिस प्राइस ब्रैकेट में आ चुका है ना, आप इस फोन की तरफ पक्का जा सकते हैं। यहां पर बड़ी वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो फोन मुझे अच्छे लग रहे थे सबके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है इन सभी फोनों में कौन सा फोन जनता को बाय करना चाहिए, वो भी आप यार नीचे बताइएगा। और जो कुछ आपको पूछना है फिर से कहूंगा, वो भी आप पक्का कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस यार जाते थे यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।